हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। यानी कि कॉइन को टॉस किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स कि आपकी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी का पता करना हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता होना चाहिए और उसके अलावा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है। तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं स्टूडेंट्स तो कॉइन में दो फेस होते हैं, एक तरफ हेड लिखा होता है और एक तरफ टेल। तो इसमें टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 2 रिजल्ट। इसलिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 2। उसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है? अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, आप या तो हेड चूज कर सकते हैं या टेल। अगर आप हेड बोलते हैं तो एक कॉइन में कितने हेड होते हैं? एक ही तो हेड होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 1। और अगर आप टेल बोलते हैं तो एक कॉइन में टेल भी कितने होते हैं? 1 ही तो टेल होता है, तो उस केस में भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 1। अब यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां प्रोबेबिलिटी की जगह हमने लिखा पी और ब्रैकेट में लिखा है योर टीम विल स्टार्ट। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट, यानी आपकी टीम गेम को स्टार्ट करेगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू। अब यहां न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। तो यहां न्यूमरेटर में हमने लिखा 1। अपॉन में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। तो यहां अपॉन में हम लिखेंगे 2। तो अब हमें आंसर मिल चुका है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी। तो इसका आंसर है 1/2, यानी कि आपकी टीम के गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।